आयतल कुर्सी पढ़ लो, मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है यहाँ पे। अजीब अजीब सी आवाज़ें भी आ रही हैं, पता नहीं कौन कौन सी कीड़े होगी। वो ये क्या है, वो ये कौवे क्या चीज़ कौवे है? कौवे 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 यार उल्लू भाई जो है ना, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं। अगर मैं इसको हाथ भी लगा रहा हूँ ना तो ये काट रहा है। यार ये कब्रिस्तान में आके पता नहीं क्या हो गया, मुझे तो डर लग रहा है इससे भी। कहीं इसको कुछ हो तो नहीं गया? यार इधर तो कॉकरोच वगैरह सब कुछ है यार, अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं यार इधर तो। सुन मैं मुझे कोई लड़की दिखी। भाई तेज चलाना, तेज चलाना, तेज चलाना, तेज चला। आज आपके भाई को पता नहीं नींद क्यों नहीं आ रही, हर तरफ डर ही डर, खौफ ही खौफ। आज है चांदनी रात और आपके भाई को इस रात में बहुत ज्यादा डर लगता है। और तकरीबन रात के 3 बज रहे हैं और चेक करो, चांदनी रात ना खौफनाक चांद हो रहा है इस वक्त। मेरी अम्मा कहा करती थी चांद पे ना एक औरत रहती है जो कि ना बच्चों को खा जाती है, और वो औरत बड़े बड़े बाल वाली होती है, बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। अब तो मुझे इस चांद भाई से भी डर लग रहा है। आज है अमावस की रात, खतरनाक रात। आज मैं उस जगह पर अकेला नहीं जाऊंगा, मेरे साथ एक और बंदा भी जाएगा। चलो अंदर चलते हैं और उस बंदे को भी लेकर चलते हैं अपने साथ। वो देखो वो बंदा यहाँ सो रहा है, इसको जल्दी से उठाते हैं और बोलते हैं कि हमारे साथ चले। जब देखो ये मोटा सोता ही रहता है, सोता ही रहता है। आज इसको पता नहीं है कि आज हम क्या कांड करने वाले हैं। बात क्यों मार रहा है यार तू, इतनी गंदी बदबू आ रही है यार। सोनू भाई उठ जाओ, सोनू भाई, अबे सोनू भाई उठो। अशोरिया प्लीज, अशोरिया अशोरिया प्लीज ला दो ना। अबे क्या हो गया इस गेंडे को? अबे सोनू भाई उठ जाओ, अबे सोनू भाई, अबे उठ जाओ यार, अबे क्या हो गया सोनू भाई उठो। अबे क्या कर रहा है, क्या हो गया तेरे को? अबे बगैरत आदमी, वैसे तो ओरिजिनल लाइफ में मुझे कोई लड़की मुंह नहीं लगा थी, ख्वाब में अशोरिया मुझे अंडे वाला बर्गर खिला रही थी, तूने मेरा ख्वाब तोड़ दिया। अबे सोनू भाई तुम्हें पता नहीं है कि आज हम क्या कांड करने वाले? रात के तकरीबन 3 बज रहे हैं और रात के 3 बजे हम ऐसा कांड करने वाले हैं कि इन सब की हालत पतली होने वाली है। पर रात के 3 बजे कौन सा ऐसा काम कर रहा है, क्या डकैती मारनी है क्या तूने? अबे सोनू भाई खड़े हो ना, क्या तुम दोबारा से सोने लग गए? जल्दी से ये शर्ट पहनो, अभी मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या कांड होने वाला है। आज हम जाने वाले हैं रात के 3 बजे कब्रिस्तान। कब्रिस्तान? पर रात के 3 बजे कब्रिस्तान? मैं नहीं जा रहा कब्रिस्तान, वहाँ जिन्नात धोती पहन के चरस पी रहे होते हैं। अबे क्या पागल हो गए हो, तुम्हें जिन्नात नजर आते हैं क्या? अबे बाजू का नजर आते हैं, बाजू का उनकी बीवियाँ चुड़ैले भी नजर आती है, इतना खतरनाक मेकअप करती है। मैं नहीं जा रहा। अबे सिर्फ अपन दोनों थोड़ी जा रहे हैं कब्रिस्तान, हमारे साथ एक और चीज जा रही है। क्या चीज है भाई? वो है उल्लू भाई। तू रात के 3 बजे चांदनी रात में इस उल्लू को क्यों लेके जा रहा है कब्रिस्तान? इस चांदनी रात में इस उल्लू को इसलिए लेके जा रहा हूँ क्योंकि हम अपने उल्लू भाई को आजाद करने वाले हैं। उल्लू भाई तुम तैयार हो ना आजाद होने के लिए? तुम्हें उसी जगह पर आजाद करूंगा जहाँ पे तुम मुझे छोड़ के गए थे। उल्लू भाई आज आप आजाद हो जाओगे। अबे इसकी आंखें देख, अबे ऐसी आंखें दिखा रहा है जैसे हम इसके पैसे उधार लेके भागे हैं। एटीट्यूड तो देख इसका। उल्लू भाई को देखो, रात के 3 बजे फुल ऊपर चढ़ के बैठे हैं। उल्लू भाई चलें, चलें फिर उल्लू भाई। अबे चल ना, इतनी लंबी मत कर। यार उल्लू भाई मुझ पे गुस्सा मत करो, अभी पिंजरे के अंदर चलो और बस अब आपको आजाद करने जा रहे हैं। चलो आ जाओ, आ जाओ, ज्यादा गुस्सा मत करना, गुस्सा मत करना उल्लू भाई, चलो जाओ पिंजरे में जाओ। उल्लू भाई माशाल्लाह से पिंजरे में जा चुका है, अब इसको हम लेके चलते हैं। चलो यार हम अपने उल्लू भाई को अब कब्रिस्तान लेकर जा रहे हैं आजाद करने के लिए। सोनू भाई जल्दी से बाइक स्टार्ट करो। चलो भाई सफर की दुआ पढ़ लेते हैं। उल्लू भाई आप भी सफर की दुआ पढ़ लो। सोनू भाई मुझे तो डर लग रहा है क्योंकि यार रात के 3 बज रहे हैं ना। अब तूने मुझे उठा दिया भाई, डर के आगे जीत है। भाई साहब चेक करो ना, आगे कोई है ना पीछे कोई है, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। अबे सोनू भाई मुझे तो डर लग रहा है, एक तो उल्लू भाई की शक्ल भी इतनी खतरनाक और तुम्हारी शक्ल भी इतनी खतरनाक। ये देखो यार पता नहीं कुत्ते भी घूम रहे हैं इतनी रात में। उल्लू भाई मजा आ रहा है हवा खाके। भाई साहब ये चेक करो, कब्रिस्तान आ गया है और फुल खौफनाक लग रहा है। रात के 3 बजे तो भाई साहब इतना डर लग रहा है यहाँ पे। अबे सोनू भाई अंदर कैसे जाएंगे हम? फाइनली भाई कब्रिस्तान के अंदर एंटर हो चुके हैं। अरे भाई साहब अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वा आला आली मोहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम वा आला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। भाई बहुत खौफनाक कब्रिस्तान हो रहा है ये तो, चारों तरफ कब्रें कब्रें और खुशबू आ रही है। उल्लू भाई टेंशन मत लो, अभी आपको आजाद करने वाले हम। सच्ची बताऊं बहुत ज्यादा डर लग रहा है क्योंकि रात के 3 बज रहे हैं। अबे सोनू भाई यहाँ तो चारों तरफ कब्रें ही कब्रें, हर तरफ कब्रें ही कब्रें।
अबे डर लग रहा है सुनो भाई, नहीं करो। तूने देखा वो सीन? अबे सुनो भाई, मुझे मत डराओ यार। अबे चुड़ैल का बच्चा नालत देता हुआ गया यार। ये वाला रोड चेक करो, पूरा सन्नाटा, और ये वाला रोड भी पूरा का पूरा सन्नाटा, ना आगे बंदा ना पीछे बंदा। मेरी इस वक्त सही वाली ना हालत पतली हुई हुई है भाई। आप जितने भी बड़े बॉडी बिल्डर हो, मगर आपकी हालत खराब हो जाती है जब आप रात में कब्रिस्तान में आते हो। और भाई ऐसा कुछ भी करने का आप लोग मत सोचेगा, एक अलग ही दहशत है और इस कब्रिस्तान के अंदर। सुनो भाई, जल्दी से उल्लू को आज़ाद कर देते हैं, वरना लोग बोलेंगे काला जादू करने आए। चलो यार, हम अपने उल्लू भाई को निकालते हैं। उल्लू भाई गुस्सा मत करो, आपको आजाद करने के लिए लेकर आ गया हूँ, आ जाओ। उल्लू की फट रही है या अजीब वगैरह मखलूक है देखते हैं। भैया वो तो कॉकरोच, कीड़े मकोड़े, पता नहीं क्या क्या चीज़ें यार। सुनो भाई, दुआ पढ़ लो, आयतल कुर्सी पढ़ लो, मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। यहाँ पे अजीब अजीब सी आवाज़ें भी आ रही हैं, पता नहीं कौन कौन से कीड़ों की। वो ये क्या है, ये क्या चीज़ है? कौवे। अबे कौवे की आवाज़ें हैं ये चीज़, इसको देख के भागे हैं कौवे को, इसको उल्लू को। एक दफ़ा मैं खामोश होता हूँ, तुम लोग आवाज़ देखो, यहाँ पे आवाज़ें कैसी कैसी आ रही हैं। बहुत ज़्यादा खतरनाक आवाज़ें आ रही हैं यहाँ से। सुनो भाई, मैं तो कह रहा हूँ बस चलते हैं यार, मेरी हालत पतली हो रही है। तेरी हालत मोटी कब थी? अरे भाई, मैं तो कब्रिस्तान एक मरतबा आया था, पुरानी बात याद आ गई मुझे, आज से तकरीबन 2 साल पहले की बात। चर्सी बैठे हुए थे एक कब्रिस्तान पे ना, उसकी कब्र के ऊपर। अच्छा। मैंने बोला, चर्सी भाई तुम कब्र पे क्यों बैठे हुए? मेरा दिल तो कर रहा था उसको चाड़ना मारूं। वो बोलता है मेरे बाप की कब्र है। मैंने जब कब्र देखी, कब्र बच्चे की थी। मैंने उसको बोला, तो बच्चे की कब्र है? बोलता है मेरा बाप बचपन में ही मर गया था। अजीब ही सीन था यार। क्या हुआ, आपको जाने का दिल नहीं चाह रहा क्या? अबे यार, उल्लू भाई को जाने का दिल ही नहीं चाह रहा। और सच्ची बताऊँ, मुझे भी उल्लू भाई को छोड़ने का दिल नहीं चाह रहा, क्योंकि यार इससे इतनी मोहब्बत हो गई है ना मुझे। यार उल्लू भाई जो है ना, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं। अगर मैं इसको हाथ भी लगा रहा हूँ ना, तो ये काट रहा है। पता नहीं क्या हो गया अचानक से इसको यार, ये कब्रिस्तान में आके पता नहीं क्या हो गया, मुझे तो डर लग रहा है इससे भी, कहीं इसको कुछ हो तो नहीं गया। अबे सोनू भाई, मुझे सच्ची में डर लग रहा है, क्योंकि ये देखो यार, इधर तो कॉकरोच वगैरह सब कुछ है यार। अबे यार, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है यार। सोनू भाई चलते हैं। डर तो मुझे भी लग रहा है। अबे ये क्या, ये कौन है, ये क्या है? अबे सोनू भाई, यहाँ से कोई गुजरा है यार। कोई गुजरा तो है। ये अचानक से इतना अग्रेसिव क्यों हो गया? मतलब हाथ भी नहीं लगाने दे रहा अपने आप को, और ये देखो काट रहा है यार। उल्लू कभी भी मेरे साथ ऐसा नहीं करता यार। यार इस उल्लू को तो मैं अपने हाथ से खाना खिलाता हूँ, पता नहीं अब क्या हो गया यार, इसको समझ से बाहर है यार। अगर मैं इसको उड़ाऊंगा उल्लू को यहाँ पर, तो ये बेचारा पता नहीं क्या खाएगा। अभी तो मैं इसको चिकन वगैरह ये सब कुछ खिला देता हूँ और अपने हाथ से खिलाता हूँ, और ये मेरे हाथ से खाने वाला आदि हो गया। भाई तू इसको उड़ा मत, तू उसको घर ही ले जा भाई, यहाँ ये फिर भटक जाएगा, इसको कोई खाने पिलाने वाला नहीं होगा। एक काम कर, तू उसको घर ले जा, इससे शादी भी कर ले। अबे यार ये मर ना जाए। नहीं, जब भी तो बोलना उसको आज़ाद मत कर, इसको घर ले जा। अबे मगर इसको आज़ाद कराने लेकर आया हूँ, मम्मा गुस्सा कर रही थी मुझ पे। तेरी मम्मा से मैं बात कर लूंगा, खैर तू उसको घर ले। यार तुम लोग बताओ, इस उल्लू का मैं क्या करूँ? तुम लोग बताओ यार, आज़ाद कर दूँ या इसको रख लूँ वापस ले जाऊँ? ओए ये कैसी आवाज़ आ रही है? अबे सुनो भाई, अबे चलो वे यहाँ से, जिन शावल ले रहे हैं। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, क्या करना चाहिए सोनू भाई? जो करना है कर भाई, मैंने तुमको मशवरा दे दिया था। क्या घर में ले जा, घर ले जा, घर ले जाऊँ वापस? अच्छा, अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं यार इधर तो। अबे मुझे कोई लड़की दिखी। अबे सोनू भाई, तुम्हें क्या लड़कियाँ ही दिखती रहती हैं? हमें तो नहीं दिखती कोई लड़की यार। अल्लाह का पक्का वादा, मुझे इसको आज़ाद करने का दिल नहीं चाह रहा, क्योंकि यार ये मेरे हाथ से खाना खाता है, ये खुद से खाना नहीं खाता, ये मेरे हाथ से खाता है। अल्लाह ना करे ये मर जाए तो कुछ हो जाए इसको, इतना प्यारा सा है यार मेरा बच्चा। इसको मैं वापस लेके जा रहा हूँ यार घर। रुको, चलो उल्लू भाई वापस चलते हैं, वापस चलो। अगर तुम लोग बोलते हो तो फिर मैं इसको आज़ाद कर दूंगा, वरना मेरा तो कोई दिल नहीं है इसको आज़ाद करने का। वो तो सब ठीक है, ये रात के 3 बजे तूने मेरी नींद बर्बाद की है उसका किया। अबे सोनू भाई, वो देखो कौन है, वो देखो कौन है, कोई है। अबे भाई साहब, चारों तरफ अंधेरा है सोनू भाई, और तुम्हें मजाक सूझ रहा है? वो चेक करो, सामने कब्रे ही कब्रे हैं हर तरफ। तो कब्रिस्तान में आया हुआ, कब्रे होंगी क्या, यहाँ पिज्जा हट मिलेगा तुझे क्या? चलो यार बस बाइक स्टार्ट करो और इसको पिंजरे को उठा के बस चलते हैं यार। सोनू भाई चलो ना जल्दी से यार, देर नहीं लगाओ। मैंने ना अभी वहाँ पर किसी बंदे को देखा है, पता नहीं शायद वो कब्र कोरकन है या कोई बंदा है या कोई चुड़ैल वगैरह या कोई भूत है, जिन्नात है। अबे चलो यार यहाँ से बस। सोनू भाई चलो चलो, सच्ची सच्ची बताऊं तुम लोगों को, मैंने किसी बंदे को देखा है यहाँ पर। सुनो भाई चलो यार, सुबह भी होने वाली है। चलो यार बाइक स्टार्ट क्यों नहीं हो रही? चलो अब बाइक स्टार्ट हो गई है, बस निकलते हैं। सुनो भाई बस भगा लो यार,
यार सच्ची में बहुत ज्यादा खौफनाक है यार, मुझे तो कसम से बहुत डर लग रहा है। और उल्लू भाई को मैं वापस लेके जा रहा हूँ क्योंकि मेरा दिल, सुन भाई तेज चलाना। या अल्लाह तेरा शुक्र है रोड आ गया, मुझे इतना डर लग रहा था ना कसम से, दूर से देख के कब्रिस्तान का खौफ आ रहा है और हर तरफ नीम के पेड़ भी लगे हुए हैं यार इस कब्रिस्तान में तो। और तुम लोगों को तो पता है ना नीम के पेड़ में जिन्नात होते हैं।